बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 5 और यूनिट का टाइटल है बेगरी, अ कर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस यूनिट के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो आइए चलते हैं लर्निंग आउटकम्स की तरफ। तो हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या हैं? सबसे पहले, प्रिडिक्ट द कॉन्टेंट ऑफ अ पीस ऑफ टेक्स्ट यूजिंग प्रायर नॉलेज एंड कॉन्टेक्चुअल क्लूज। यानी कि हम अपनी जो हमारी प्री रिक्विजिट नॉलेज है, जो कि हमारे पास पहले से है, कि जैसे कि बेगिंग क्या होती है, लोग जो है वो भीख क्यों मांगते हैं और हमें क्यों उसको रोकना चाहिए, उसको यूज़ करते हुए टीचर जो हैं वो क्वेश्चंस पूछेंगी। और जब क्वेश्चन पूछेंगी तो वो बच्चों को ब्रेनस्टॉर्म करते हुए लेकर आएंगी इस मेन टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है, ask and answer questions of personal relevance, information and variety of communicative purposes. यानी कि बच्चों से टेक्स्ट से रिलेटेड आपने वाइल रीडिंग और जो आपके साथ आपकी पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने बच्चों से पूछने हैं, ताकि बच्चों का रेलिवेंसी और इंटरेस्ट जो है वो डेवलप रहे। नेक्स्ट, ask and answer simple and higher order questions to guide or assess reading. यानी कि जब बच्चों ने रीडिंग कर ली है, अब आपने बच्चों से other than textbook जो questions हैं बच्चों से आपने पूछने हैं, जो कुछ भी आ रही है, जैसे कि हमें बेगरी को स्टॉप क्यों करना चाहिए, ये एक कर्स क्यों है। यानी कि अगर वो डायरेक्ट बुक में क्वेश्चन नहीं भी हैं, डायरेक्ट उनका आंसर भी नहीं है, लेकिन ये बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग को जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को इनिशिएट कर रहे हैं, जिसमें बच्चा सोचेगा और आपको आंसर देगा। इस वक्त लैंग्वेज को बैरियर मत बनाइएगा, सिर्फ उनसे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को देखते हुए आंसर लीजिएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड यूज पर्सनल प्रोनाउंस, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, दे, हर, हिज, हिम, देयर, देम। यानी कि अब यहाँ पर हमने बच्चों को प्रोनाउन के बारे में बताना है। प्रोनाउन मीन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, और वो कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे, लेकिन अभी पर्सनल प्रोनाउन पे ही रहेंगे, हम पोजेसिव, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई, अप्लाई एंड यूज एपोस्ट्रोफी विद नाउन्स इन रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बच्चों को सिखानी है। आई एम अगेन रिपीटिंग, एपोस्ट्रोफी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे पोजेशन की नहीं सिखानी बुक में, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की है कि कैसे हम वर्ड्स को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप डू नॉट लिखते हो तो हम उसको डोंट लिखते हैं, यहाँ पे हम ये सिखाएंगे। नेक्स्ट, करेक्टली यूज फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज वर्ड्स, टू टू टू, देयर देयर देयर। यानी कि यहाँ पर हमने होमोफोन्स का कॉन्सेप्ट देना है। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो सुनने में तो सेम साउंड देते हैं, जैसे टी ओ वाला टू, टी डब्ल्यू ओ और टी डबल ओ, ये सुनने में तो आपको सेम साउंड दे रहा है, बट इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं और साथ साथ इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा टू किधर लगता है, और ऐसे डिफरेंट होमोफोन्स को भी देखेंगे कि हम उसका इस्तेमाल कैसे अपने डिफरेंट सेंटेंसेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट मल्टीपल पैराग्राफ्स ऑन अ सिंगल टॉपिक। एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस टॉपिक को देखते हुए आपने अब उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ सफिक्स फर इन स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड वाउल्स, फॉर एग्जाम्पल रेफर्ड, रेफरल। यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास एक सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ कर आए हैं, यानी कि जब रूट वर्ड के आगे यानी कि उसके एंड की तरफ हम कोई भी वर्ड लगा देते हैं, वो वर्ड एक भी हो, लेटर एक भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे ई डी लगा देते हैं हम ई आर लगा देते हैं, ये हमारा बनता है बेसिकली हमारा सफिक्स, यानी कि उसको कर देने के लिए। कभी ई एस टी लगा देते हैं, कभी आई ई एस टी लगा देते हैं, ये सारे हमारे सफिक्स होते हैं जो कि एंडिंग में होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये आर स्ट्रेस्ड वाउल और अनस्ट्रेस्ड वाउल में हम इसको किस तरह प्रोनाउंस कर सकते हैं और किस तरह हम इसको स्पेलिंग के साथ लिख सकते हैं। डियर टीचर्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।